नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। धार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर धार एवं तहसील न्यायालय कुक्षी, धर्मपुरी, मनावर, सरदारपुर और बदनावर में इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एडीआर सेंटर धार में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय धीरेन्द्र सिंह, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष, समस्त न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी व विभिन्न बैंकों और विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल ने किया और आभार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश सचिन कुमार घोष ने माना। लोक अदालत में 7585 लंबित प्रकरण राजीनामा के लिए रखे गए, जिसमें से 429 मामलों का निराकरण आपसी समझौता आधार पर किया गया, जिससे 1261 व्यक्ति लाभान्वित हुए और 8,21,18,904 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इस अवसर पर निशुल्क पौध वितरण और स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। उसके माध्यम से प्रकरणों का निराकरण हो तो वो अंतिम रूप से निराकरण होता है, उसमें अपील भी नहीं होती और पक्षकार भी दोनों संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की बातें रखी जाती है और दोनों की बातें आपसी जो कॉमन रूप से दोनों को स्वीकार होती है वो उसमें आती है। तो इसीलिए लोक अदालत और मध्यस्थता एक ऐसा हमने जो न्यायालय में जो लंबित प्रकरण थे वो कुल 7585 प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हेतु रखा था, जिसमें से हमने सफलतापूर्वक 429 प्रकरणों का निराकरण किया है, जिसमें कुल 8,21,18,904 रुपए के पंचायत अवार्ड पारित हुए हैं, जिनसे 1,261 लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार विद्युत विभाग के, बैंकों के, नगर पालिका के, संपत्ति कर, जल कर आदि संपूर्ण प्रकरणों को जो प्री लिटिगेशन से संबंधित थे, ऐसे कुल 12,448 मामले रखे गए थे, जिसमें से कुल 343 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है, जिसमें कुल 86,52,265 रुपये की राशि की प्राप्ति हुई है, जिससे 288 लोगों को लाभ पहुंचा। धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।